गोल लगातनी समाचार बटुए टाढ़ी से रिपोर्टर बारी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, खबर के हेडलाइन बहुत बड़ा खबर आ रहा बटुए टाढ़ी से। जी हाँ, हार्वेस्टर के चिंगारी से निकलल आग आ लगभग 200 बीघा के गेहूँ जड़ के भइल राख। जी हाँ, खबर ये बटुए, खबर विस्तार से जानी। इटाढ़ी के भिटिहरा पधार में आग लगी के भयंकर घटना भइल बटुए। आग के लपट देख के रूरा खुद अंदाजा लगा सकिला कि ओजा के गेहूँ के का हाल भइल हुई। स्थिति ये बटुए कि ई भिटिहरा से आग बढ़त बढ़त शाहीपुर गिद्दीपुर तक पहुँच गई। लगभग 200 बीघा के फसल जड़ के पूरी तरह से राख हो गई। ग्रामीण बतावत रहन कि हार्वेस्टर जवन चलत रहल हटुए तवन पुरान हार्वेस्टर रहल है, ओकरे से साइलेंसर से छिंगारी निकलल है, एकरा बाद धीरे धीरे आग लग गई हटुए। हालांकि तब तक ग्रामीण अग्निशामक दल के बुला ले रहन, लेकिन छोटकी गाड़ी आई रहे करा बस के आग रोकल ना रहे। धीरे धीरे आग बढ़त गई। आग इतना भयंकर धैलस कि लगभग 200 बीघा के फसल जड़ के बर्बाद हो गई। किसान अपन माथा धैले बढ़े। कई गो किसान तो कहत रहन कि गेहूँ के एक दाना हमनी के अभी ना लगल रहनी हजा साहेब, आ पूरा हमनी के अरमान पर पानी फिर गई। कहल गई बटुए कि आग लागल इहे कहाला, खड़ा फसल में आग लग गई। किसान जवन साल भर मेहनत करके खाद दे के पानी दे के बड़ कैलन, जब काटे के भइल तो यह तरीका से आग लगी के घटना हो गई। यह मामला के जायजा लेवे खातिर सीओ पहुँचल बानी, यहाँ के कृषि पदाधिकारी के भी यह मामला से अवगत करा दिले बानी। आग इतना भयंकर रहे कि कौनो किसान जाए के हिम्मत ना करत रहन। कुछ किसान तो ऐसा रहन कि आग लगी में भी घुसे के प्रयास करत रहन, लेकिन कुछ लोग या पकड़ ली हलन, ना ही तो यह गेहूँ के साथ कुछ किसान के भी जान चल गई रही। किसान बेचैन हो उठल रहन, व्याकुल हो उठल रहन, काहे से कि उनका आँख के सामने साल भर के कमाई धू धू के जलत रहे। आग इतना भयंकर रहे जेकरा के देखला के बाद केहू के करेजवा हिल जाए। कतना बधार के साफ कर दलस, 200 बीघा के खड़ा फसल पूरी तरह से जड़ के राख हो गई। किसान बस अपन आँख के सामने धुआं होत पैदावार देखत रहन। भोजपुरिया समाचार लाइव तस्वीर दिखा रहल बा। रउरा दर्शक लोग से निहोरा बा कि सबसे पहले खबर पावे खातिर अभी ये भोजपुरिया समाचार चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक जरूर करी, कमेंट करके बताई कैसन लागल आ अधिक से अधिक शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।